दोस्तों पाकिस्तान में मुकाबला बांग्लादेश, पहला टेस्ट मैच शुरू। दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मैच की टाइम टेबल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कितने बजे से शुरू होगा, पाकिस्तानी स्क्वाड में कौन कौन से खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया और कौन कौन से खिलाड़ी पाकिस्तानी स्क्वाड से बाहर हो गए, पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप ना अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज शुरू हो गई। दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मैच की टाइम टेबल और शेड्यूल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया गया। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में 5 खतरनाक तब्दीलियां कर ली गई। दोस्तों ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक की पाकिस्तानी स्क्वाड से छुट्टी करा ली गई, जबकि टैलेंटेड बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल हो गए। दोस्तों अब्दुल्ला शफीक को भी पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान भी पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मीर हमजा भी पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, जबकि पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में शाहीन शाह, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान भी शामिल होंगे। सरफराज अहमद को एज ए बैट्समैन पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये मुकाबला 21 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से शुरू होगा।